जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 2, 2x1 + x2। अब इसमें जब आप इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं से कहीं तक कोई फॉर्मूला लग ही नहीं जाए। हाँ, 1 upon 1 + x2 tan inverse x होता है, लेकिन वो 1 upon होता है, यहाँ पर 2x है, तो निरीक्षण विधि तो यहाँ पर फेल हो गई। अब क्या करेंगे, हम ऐसी चीज को t मानेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x को बदल देंगे किसी और वेरिएबल में, हो सकता है वो बदलने के बाद हिसाब से तब आ जाएंगे। इधर तो मान लेते हैं, माना 1 + x2 बराबर t, क्योंकि मुझे मालूम इस जहां पर डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव आपके पास है, ये तो 1 + x2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, दिख रहा है, उसी को टी मानेंगे जिसका डेरिवेटिव आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 x2 = 2x बराबर dt/dx, क्या लिखेंगे हम इसे, फिर 2x dx बराबर। आगे से हमें रूल बना लेंगे कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो जिसके सापेक्ष करेंगे उसी का dx लिख देंगे, ठीक है जी सर। तो 2x dx को लिख दो dt, 1 upon 1 + x2 क्या लिखेंगे, t, 1 upon t का क्या होता है, t के साथ कुछ कहाँ पे प्रतिस्थापित किया हमने, समीकरण 1 में 2x dx से क्या लिख दिया, dt, और 1/1 + x2 की जगह क्या लिख दिया, 1 + x2 क्या लिख दिया, t, तो 1 upon t का इंटीग्रल लिख दिया। Substitute 1 + x2 = t and 2x dx = dt in equation। अब t का मान, क्योंकि आपने माना था, क्या माना था, 1 + x2 बस खत्म हो गया, ठीक है, इसी आधार